टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। लगातार पंजाब हरियाणा में लगातार बरसात हो रही है और अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने पहले इस चीज को प्रेडिक्ट कर दिया था कि लगातार 3 दिन तक बरसात होने वाली है। हालांकि अगर कल के दिन यानी बीते दिन की बात की जाए तो शनिवार को सिर्फ हल्की फुल्की जो बादल थे, लेकिन आज चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर एरिया साइड बहुत ज्यादा लगातार बरसात हो रही है, गड़ेमारी हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है कि इसी तरीके से जो अभी पंजाब हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से गड़ेमारी होती रहेगी, बरसात होगी और बरसात होने के बाद जो अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो वो एकदम से बढ़ा है। हालांकि ठंड जो है पिछले अगर हफ्ते की बात की जाए जब धूप निकलनी शुरू हुई थी तो मौसम जो है थोड़ा सा करवट लिया था, दिन के तापमान बढ़ने लग गए थे, लेकिन एकदम से जो गड़ेमारी हो रही है हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों में उससे जो है लगातार जो तापमान है अब मैदानी एरियों का जो दिन का तापमान घटने लगा है। रात का तापमान तो पहले से ही बहुत कम था और अगर हम अगर बात की जाए पहाड़ी एरिया की तो लगातार जो है वहां पे स्नोफॉल हो रही है जिसका असर कहीं ना कहीं अब मैदानी एरिया में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले जो ठंड पड़ रही थी उससे लगातार धुंध जो थी, लेकिन लगातार जो बरसात हो रही है। हालांकि मौसम विभाग की अगर माने तो उन्होंने कल यानी सोमवार के दिन भी बरसात जो है और गड़ेमारी प्रेडिक्ट की हुई है, लेकिन अगर आज के दिन की बात की जाए तो सुबह से ही लगातार देर रात से ही पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में गड़ेमारी बरसात हो रही है जिससे कि कई फसलों का नुकसान भी जो देखने को मिला है, क्योंकि जब लगातार बरसात होती जाएगी तो जाहिर है कि फसलों का भी नुकसान होता है। हालांकि आज एतवार का संडे का दिन है लेकिन उसके बावजूद भी बरसात हो रही है, मौसम काफी ठंडा हो चुका है और अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो लगातार जो स्नोफॉल हो रही है वहां पे लोग लगातार वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो इस बार है स्नोफॉल है आमतौर के जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में ही पड़नी शुरू हो जाती है दिसंबर के एंड में, लेकिन इस बार जो स्नोफॉल है वो बहुत लेट पड़ी है जिसका असर अब मैदानी एरिया में भी देखने को मिल रहा है और चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों में सुबह से ही तेज बरसात हो रही है और आने वाले समय में भी यानी कल के दिन की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। चंडीगढ़ से टीवी 9 के लिए कैमरामैन रजिंदर के साथ अमनप्रीत कौर।